जीवन में आया है नया उजियारा, आ गया है दिवाली का यह त्योहार हमारा। अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई एम सानिया ऑफ क्लास 10 सी एंड टुडे ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीन मेमोरियल स्कूल आई वेलकम यू ऑल टू दिस फन फिल्ड वर्चुअल प्रोग्राम ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन। Art is one of the universal languages that all human beings understand and use to communicate. An art exhibition fits well within our curriculum, allowing students to look and respond to their work as well as the work done by others. All children love doing art at school, and the art exhibition is itself a great opportunity for them to show off their talent to parents, teachers and friends. Now, here are the students of Greenway Modern School presenting Ragotsav, an art exhibition.
show. Now, I would like to welcome our young charming dancers for Ganesh Vandana. To praise Lord Ganesha, who is a symbol of wisdom and knowledge. With his blessings. Such was the elegance and beauty in their performance. Now, next in row are our tiny tots, who will explain us the significance of Diwali celebration and the importance of saying no to crackers, with a bunch of performance starting with the slogan. मेरा नाम शुभांशी सिंह है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आज दिवाली के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। दिवाली भारत देश का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम जी अपना 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। दिवाली में घर दुकान बाजार आदि दीपों से फूलों से और रंगोलियों से सजाए जाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए, लेकर साथ सीता मैया को राम जी है आए। हर शहर लगे मानो अयोध्या हो, आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पर हम दीप जलाएं। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, और आज मैं इनमें से ही एक त्योहार दीपावली के बारे में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। क्या आपको पता है दीपावली क्यों मनाई जाती है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने रामायण पढ़ी या देखी है तो आपको पता होगा कि इतिहास के अनुसार दिवाली के दिन ही भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। कार्तिक अमावस्या की रात होने के कारण दिवाली के दिन काफी अंधेरा होता है, जिस वजह से उस दिन पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था, ताकि भगवान श्री राम को आगमन में कोई परेशानी ना हो। तब से लेकर आज तक ये त्योहार मनाया जाता है। शुभ दीपावली। नमस्कार, मैं
नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम इक्षिता है। मैं बीवे मॉडर्न की छात्रा हूँ। मैं दिवाली के त्यौहार के बारे में बताने आई हूँ। दिवाली को दियों का त्यौहार कहते हैं। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दिवाली के दिन हम अपने घरों को फूलों, दियों और रंगोली से सजाते हैं। इस दिन हम अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाइयों का तोहफा देते हैं और खुशियां मनाते हैं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल योर फ्रेंड्स, आई एम समृद्धि फ्रॉम द सेकेंड सी। आई वुड लाइक टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिवाली। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या ऑफ कार्तिक मंथ एवरी ईयर। इट इज ऑल्सो नोन एज दीपावली, विच मीन्स लॉ ऑफ लाइट एंड लैंप। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे। दिस डे पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद दियास, लाइट्स एंड रंगोलीज एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। दिवाली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नमस्कार। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस त्यौहार को अलग अलग दिन और तरीके से मनाया जाता है। दीपावली का उत्सव 5 दिनों तक चलता है, जो धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, मुख्य पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा से होते हुए भाई दूज पर समाप्त होता है। आओ इन 5 दिनों के बारे में संक्षिप्त में जानें। धनतेरस। पहले दिन को धनतेरस कहते हैं। दीपावली महोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। इसे धनत्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस के दिन मृत्यु की देवता यमराज, धन की देवता कुबेर और धनवंतरी की पूजा का महत्व है। इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ सुमंत्र मंथन में प्रकट हुए थे और उनके साथ बर्तन, धातु व आभूषण भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। दिवाली के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दिवाली भी कहते हैं। छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, जिसकी वजह से इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगण व पृथ्वीवासी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने ये पर्व मनाया। तीसरे दिन को दिवाली कहते हैं। ये मुख्य पर्व होता है। दिवाली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर घर लौटे थे। भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। गोवर्धन। चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है।
इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों को गोवर्धन की छाव में सुरक्षित किया। तब से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हो तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। भाई दूज पांचवें दिन को भाई दूज और यम द्वितीय कहते हैं। भाई दूज पांच दिवसीय दीपावली महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने और भाई की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। Class 4B,
My Diwali slogan is your planet needs you say no to fireworks and fumes means do not burn crackers as it causes air pollution. We should celebrate eco-friendly Diwali. Thank you. Happy Diwali to all of you. Hi everyone, my name is Pritik Sharma. I study in class first at Greenway Modern School. Avoid crackers, save nature. Patako ko kahuna, prakati ka karo bachav. Diwali diya ka tyohar hai, patako ka nahi. Isliye hame is Diwali par diye jalane hai, patake nahi. Taki hamari prakati saaf rahe aur hum bhi swasth rahe. Happy Diwali, thank you. These tiny dots never fail to entertain us. It was a beautiful representation by our lively Greenlanians. Lord Ram lived in exile with Sita and his brother Lakshman, where they suffered many trials. But after their 14 years of exile, Sri Ram victoriously returned to Ayodhya to be reunited with his brothers and crowned as the king of Ayodhya. To observe this day, we celebrate Diwali by decorating our houses with diyas and lights. Coming next is a digital collage on Diwali, an epitome of happiness and celebration. Enlightening them denotes dispelling the darkness. And since Deepavali is celebrated on the moon day, lighting these earthen diyas are a means to get rid of darkness and also symbolizes our connection with the Mother Earth. So now I call upon the senior students with a graceful dance performance. Warm greetings everyone. Diwali,
One of the major festivals celebrated by us is the Festival of Lights. Diwali is the 20th day after Dussehra. Let me tell you why is it the 20th day. So, on Dussehra, Shri Ram killed Ravan, the king of Lanka. Thereafter, Shri Ram brought Sita back to Ayodhya, and it took 20 days for them to reach Ayodhya after 14 years of exile. In order to receive them, the whole kingdom was lit up with diyas. So, diyas are basically clay lamps. Well, this was actually the victory of good over evil, which is celebrated till day. We decorate our houses using flowers, lighting, etc. Diwali falls in the Hindu calendar month of Kartik and is the no moon day of this month. So, this year, sharing our celebration with you in form of a diya dance, and here we have it. और चारू मेर हुई जिल मिलाट ते आया मारा पावणा के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर्षाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे
occasion makes it special when celebrated with dance. Our senior dancers have done an exceptional work. Finally, I would like to take this opportunity to record my heartfelt thanks towards everyone. Respected Principal Sir, school management, staff, teachers, participants, and most importantly, students and parents for giving their valuable time and making this day a colorful one.